हर हर महादेव। देखिए गोपालगंज बिहार से ऋतिक भारद्वाज जी हैं, इनका एक प्रश्न है कि गुरुदेव हमें श्री हरि विष्णु के अवतार श्री कल्कि की लोगों में उपासना या जागरूकता और बढ़ानी चाहिए। ज्यों ज्यों कलयुग बढ़ रहा है त्यों त्यों कलि पुरुष अपनी कालिमा से हमारे रीति रिवाजों में खनन ला रहा है, कृपया हमारे दर्शन करें। हर हर शंकर, जय जय शंकर। देखिए ये पूछना चाह रहे हैं कि कलयुग का तांडव चल रहा है, इससे कैसे बचा जाए, भगवान की क्या आराधना सेवा पूजा की जाए, कैसे लोगों को जागृत किया जाए, क्या करने के लिए प्रेरणा दी जाए जिससे कलयुग का कुचक्र कलुष शांत हो जाए। तो देखिए हमारे यहाँ शास्त्रों में चारों युगों का वर्णन है ही, जिसमें चौथा कलयुग चल रहा है। एक बात और बताएं आपको कि ये जो कलयुग है, कलयुग तो कई बार आ चुका है, अष्टाविंशत तमे युगे कलयुगे, ये 28वां कलयुग है इसी मनवंतर का। तो और भी कलयुग आ चुके हैं, कई बार आया है, परंतु ये कलयुग कुछ विशेष है, ध्यान देना। जैसे कि कहा जाता है कि रावण आदि का, राक्षसों का कई चतुर्युगियों में राज्य रहा है, तो उनके कार्यकाल में भी जब आया ही होगा, कलयुग भी आया होगा, तो रावण आज भी अग्निहोत्री और ये सब कृत्य करते ही थे, वो आज के इन जैसे तो नहीं थे अकर्मण्य, वो दुष्ट थे ही। और भी देखें कि जो हिरण्यकश्यपु का राज्य था, तब भी बतलाया गया है कि कई चतुर्युगियों तक राज्य चला है, तो वो जो उसके बीच में भी कलयुग आया होगा, तो वो ऐसा नहीं था। अब आज देखिएगा कि धर्म का तो है ना सर्वथा लोप प्राय हो रहा है, और ये देखिए कितनी दुनियादारी बढ़ रही है, कितने जो आधुनिक निर्माण आधुनिक युग, कितनी चीजें प्राचीनता सब समाप्त हो गई, आधुनिकता में लोग घुस गए और अपना अपने जीवन का जाति का वर्ण मतलब सबका वेद का धर्म का सबका ह्रास हो रहा है बहुत ज्यादा, वो तो नामो निशान मिटता जा रहा है और न जाने क्या क्या होता जा रहा है। इन सभी चीजों को देख करके लगता है कि ये ऐसा कलयुग पहली बार आया है। देखिए किसी युग में मोबाइल हो, किसी युग में ये सब इतना जो है ऐसा विज्ञान हो गया हो, इसका वर्णन नहीं आता। कलयुगों का खूब वर्णन है कि युगों का वर्णन है, इस युग में ये व्यवस्था होती है, इसमें ये होती है, तो कलयुग में तो इसलिए ये बहुत ही खतरनाक समय चल रहा है, इससे कैसा बचा जाए, कैसे बचा जाए, इसका उपाय देखिएगा। शास्त्रों में ही उपाय बतलाए गए हैं कि इसका मतलब उस समय की जनता ये करती थी, तो वो कलयुग का प्रभाव उन युगों में कम रहा, समझे ना। शास्त्र क्या कह रहे हैं कि कलयुग तो है, कलयुगों में अन्य कलयुगों में भी और इस कलयुग में भी शास्त्रों में कुछ बतलाए गए उपाय हैं, उनको जो लोग करते हैं, जितना करते हैं उनके पास उतना या उन लोगों के पास कलयुग का असर नहीं होता है, कलयुग का ये कुप्रभाव उनके ऊपर नहीं आ पाता है। तो वो धर्म सिंधु में देखिए बतलाया गया है कि विष्णुम शिवम वा भजताम गुरो पित्रोश्च सेविनाम गौ वैष्णव महाशैव तुलसी सेविनामपि न स्यात् कलिकृतो दोषः काश्याम निवसतामपि। कह रहे हैं विष्णुम भगवान विष्णु का, शिवम शिवजी का भजन करने वाले, इनकी सेवा करने वालों को, और गुरोः पित्रोश्च सेविनाम, और गुरु की सेवा करने वाले को और अपने पिता की माता पिता की सेवा करने वाले को। तो भगवान विष्णु की सेवा करने वाले को, ध्यान देना, भगवान विष्णु की सेवा करने और भगवान शंकर की सेवा करने वाले को और माता पिता और गुरु की सेवा करने वाले को,
कलियुग का असर नहीं होता, ध्यान देना आगे कहेंगे। और गऊ, गऊ की सेवक, गो सेवक को, गो सेवा करने वाले को। और वैष्णव महाशैव, ये जो इस तरीके के जो विष्णु की सेवा करने वाले वैष्णव और भगवान शंकर की सेवा करने वाले जो शैव हैं। और तुलसी सेविका सेवी नाम अभी, और भगवती तुलसी का सेवन करने वाले लोगों को। न स्यात् कलि कृतो दोषः, काश्याम निवसताम अभी, और काशी में निवास करने वाले को, काशी में भाव पूर्वक विधान पूर्वक नियम पूर्वक निवास करने वाले भगवान शिव शंकर और विष्णु की तुलसी की गुरु की गौ की अर्चना पूजा विधिवत करने वाले को कलयुग का दोष नहीं लगता, कलयुग का असर नहीं होता है। आगे कह रहे हैं कलौ गुरुणाम भजनम ईश भक्त्यधिकम स्मृतम। कलयुग में पहले तो योग्य गुरु मिल जाए, शास्त्रनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ, तो ऐसे गुरु का सेवा, ऐसे गुरु का सेवन, ऐसे गुरु की सेवा भगवान की सेवा से ज्यादा फल देने वाली है। कलऊ माने कलयुग में गुरुणाम भजनम ईश भक्ति अधिकम स्मृतम, ईश भक्ति से भगवत भक्ति से ज्यादा श्रेष्ठ है। और कह रहे हैं जपादौ ये यत्र या संख्या कलऊ से चतुर्गुणा, और युगों में कल जो जप की संख्या निर्धारित की गई थी पुरस्चरण आदि की, कि इतना जप करने पर पुरस्चरण होता है, इतना जप इस काल में करना चाहिए, वो सब जप कलयुग में जो है चौगुना होता है, ऐसा कल प्रभाव है। इसलिए कलयुग में जाप यज्ञ बहुत करना चाहिए, नाम जाप मंत्र जाप बहुत करना चाहिए। और कह रहे कलऊ दानम महाश्रेष्ठम शिव विष्णोश्च कीर्तनम, कलयुग में दान देना, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं प्रगट चार चरण धर्म के कलिमह एक प्रधान एन केन विद दीने दान करे कल्याण। कलयुग में यद्यपि धर्म के चार चरण होते हैं सत्य शौच दया और दान, तो उसमें से कलयुग में मुख्य रूप से दान है। और एन केन विधि, जिस भी प्रकार से दान किया जाए विधि पूर्वक, एन केन विधि जिस किसी भी विधि से है ना दान किया जाए तो वो कल्याणकारी होता है। कलयुग में दान की बहुत महिमा है। और शिव विष्णुश्च कीर्तनम, भगवान शंकर का और भगवान विष्णु का कीर्तन करना, और इन दोनों में आपस में द्वेष न करके कि वो वैष्णव है तो शिव से द्वेष, शिव है तो विष्णु से द्वेष, ऐसा न करके दोनों का प्रेम से कीर्तन करना, क्योंकि लिखा हुआ इच्छित फल बिनु सेवा वराधे लहाय न कोटि जोग जप साधे। इच्छित फल आप चाहते हैं कि कलियुग का दुष्प्रभाव हमारे ऊपर न हो, हमारी मति सन्मति बनी रहे, भगवान निष्ठ कर्म निष्ठ धर्म निष्ठ बनी रहे, तो कहा गया है कि इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, बिना भगवान शिव की आराधना किए आराधना किए प्राप्त नहीं हो सकता, चाहे भले ही कोटि जप यज्ञ कर लिए जाए तीर्थ कर लिए जाए। इसलिए शिव जी में और भगवान विष्णु में द्वेष नहीं करना है, ये ही नाम जप की मुख्य महिमा है। तो और देखिए कलयुग की महिमा बतलाते हुए कहते हैं कृते यद दस भी वर्षीर, जो फल सतयुग में दस वर्षों में प्राप्त होता था, सतयुग में है ना दस वर्षों में जो प्राप्त होता था त्रेतायाम हायनेन तु, और वो ही त्रेता में हायन माने एक वर्ष में प्राप्त होता था, और द्वापरे तत्तु मासेन, और द्वापर में वही फल एक महीने में प्राप्त हो जाता था, और अहो रात्रेण तत् कलौ, और वही दिन रात बस करने पर कलयुग में प्राप्त हो जाता है। अर्थात सतयुग में दस वर्ष तक भगवान का कीर्तन किया जाए तो वो फल कलयुग में एक दिन रात तक भगवान नाम जप करने का, सत्कर्म करने का, जप आदि नियम पूर्वक पालन करने का फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए अवश्य करना चाहिए, ये बात बतलाई जा रही है। लिखा है कि क्या करना चाहिए कि ध्यायन कृते यजन यज्ञैस, कृते ध्यायन ध्यान करने से, और यज्ञ यजन त्रेताया
त्रेता में यज्ञों का यजन करने से, और द्वापरे अर्चयन है ना, ध्यान करते यजन यज्ञ, त्रेतायाम द्वापरे अर्चयन, और द्वापर में भगवान की अर्चना करने से, यदाप्नोति जो प्राप्त होता था, तदाप्नोति कलौ संकीर्त्य केशवम, वही फल भगवान नाम जप करने से है ना, अपना नित्य कर्म विधि पूर्वक संध्या वंदन इत्यादि करके और भगवान नाम जप करने मात्र से ही वो युग युगों तक वर्षों तक तपस्या करने का जो फल होता था, अब भक्ष वायु भक्ष पूर्वक जो लोग जब तपस्या करते थे वही फल कलयुग में वो प्राप्त हो जाता है। बताया गया कलयुग में कोई ज्यादा उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। गीता गंगा तथा विष्णु कपिलाश्वत्थ सेवनम एकादशी व्रतम चैव सप्तमम न कलौ युगे, बोले इनके अलावा कोई कलयुग में उपाय नहीं है, बस इतने काम कर लो। गीता, गीता जी का अध्ययन करिए, गीता का पाठ करिए, गंगा, गंगा की सेवा, गंगा का सेवन, गंगा में भाव, गंगा को दूषित न करके गंगा का सेवन किया जाए समय समय पर। जो लोग दूर भी रहते हैं वो गंगा का पूजन करें, गंगोदक का पान करें नित्य प्रति, गंगा की स्तुति करें और समय समय पर जाकर के गंगा अवगहन करें, गंगा में स्नान करें। तथा विष्णु कपिलाश्वत्थ सेवनम, और भगवान विष्णु का नाम जप करें, और कपिला माने कपिला गऊ मिल जाए या कोई भी गाय की सेवा, जिनके यहाँ गाय रहती है और प्रसन्न रहती है, कुल के साथ रहती है, अपने जो बछड़ों के साथ जहाँ निवास करती है गाय, वहां कलयुग का असर नहीं होता है। अश्वत्थ सेवनम, और पीपल वृक्ष का सेवन, पीपल वृक्ष की सेवा की जाए। एकादशी व्रतम, और एकादशी का व्रत किया जाए, और इनके अलावा कलयुग में और कोई ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये कार्य करने से और कलयुग का जो कुप्रभाव है उससे मनुष्य बच जाता है। ये जो है सर्वसाधारण के लिए नियम बतलाए गए। और देखिए श्री रामचरितमानस में प्रत्येक कांड की पुष्पिका में, कांड के बाद या ग्रंथ के अध्याय के बाद जो नीचे लिखा रहता है विवरण की इसमें क्या है, तो उसको पुष्पिका कहते हैं संस्कृत में। तो उस पुष्पिका में क्या लिखा है तुलसीदास जी ने, देखिए प्रत्येक कांड में लिखी हुई है अंत में कि इति श्रीमद रामचरितमानसे सकल कलि कलुष विध्वंसने प्रथम सोपान समाप्त। इसी तरीके से द्वितीय सोपान समाप्त अयोध्या कांड के अंत में, फिर तृतीय, इस तरीके से सप्त सोपान लिखे हैं। तो कहने का अर्थ इति श्रीमद रामचरितमानस है, इस प्रकार श्री रामचरितमानस ग्रंथ में जो जो चरित्र है वो कैसा है, बोले सकल कलि कलुष विध्वंसने, समस्त कलयुग का जो कलुष है यानी जो पाप है, जो भी कलयुग का ये कुप्रभाव है उसके विध्वंसन करने में, उसका विध्वंसन करने के लिए ये श्री रामचरितमानस का भगवान शंकर की आज्ञा से, भगवान श्री राम की प्रेरणा से श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी ने कलयुग के प्राणियों का कल्याण करने के लिए ही किया है। तो भगवान श्री हरि, भगवान श्री कृष्ण कलयुग के समस्त कलुषों से ग्रसित कलंकित प्राणियों का कल्याण करने के लिए ही श्रीमद रामचरितमानस ग्रंथ और श्री रामचरित श्री राम नाम, श्री कृष्ण नाम, गोसेवा, गुरु सेवा इत्यादि प्रकल्पों को बतलाया गया है, नियमों को बतलाया गया है। इसको करने से जीव के ऊपर कलयुग का कुप्रभाव नहीं रहता है। तो इनका पालन खूब मन से करना चाहिए जो कलयुग से बचना चाहते हैं, अपना कल्याण चाहते हैं। हर हर महादेव।